की हेडलाइन पर राजस्थान में विधायकों पर चढ़ा होली का रंग। फेसबुक के जरिए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी में छह गिरफ्तार। 9वीं की छात्रा ने दिया बच्चे को जन्म, बलात्कार का मामला। अब खबरें विस्तार से। सीकर में शेखावटी लोक कला मंडल की ओर से सोमवार देर रात तक विशाल फाग उत्सव का आयोजित किया गया, जिसमें बेहद मस्ती से भरा ऐसा नजारा देखने को मिला। यह सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुस्लिम विधायक हाकम अली खान ने भी जमकर ठुमके लगाए हैं। उन्होंने कहा, ये तो सभी धर्मों का त्योहार है। रांची फेसबुक के जरिए सामूहिक दुष्कर्म के छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन लड़कों को गिरफ्तार किया है, उनमें से चार नाबालिग है। सोमवार की देर रात एक 10वीं की छात्रा को उसके दोस्त ने अपने पास दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म करके यह वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद पीड़िता को 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया, जहां पुलिस के एक स्थानीय लोग ने फोन कर सूचना दी कि एक लड़की सड़क पर बेसुध पर पड़ी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती किया। होश आने के बाद पीड़िता का बयान लिया गया, जहां पीड़िता ने आरोपियों के नाम बताए। सोलन में 9वीं की छात्रा ने दिया बच्चे को जन्म, बलात्कार का मामला। हिमाचल में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सोलन में सामने आया है, जहां नाबालिग लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। सोलन पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।